हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वनकम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप उनके लिए जिनकी स्किन डस्की डार्क है, बहुत सारे पिगमेंटेशन है फेस पे, ब्लैक स्पॉट है, एक्ने की प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो यार गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी मेकअप करने से पहले ध्यान रखिए कि अपना फेस ना अच्छे तरीके से शेव कर ले। अगर आपको नहीं पता कि कैसे शेव करना है फेस, फेशियल हेयर को कैसे हटाना है, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वो जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ मैक का प्रेप प्राइमर, ये काफी अच्छा है, फेस को अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देता है, सारे स्किन टाइप के लिए अच्छा है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं रोज वाटर में थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल के उसको अच्छे तरीके से शेक कर दे और किसी स्प्रे बॉटल में लेके इस तरीके से स्प्रे कर दे, आपका DIY फटाक से बन जाएगा प्राइमर या टोनर भी आप बोल सकते हैं उसे। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, कलर बार का मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, हाइड्रेट बहुत अच्छे तरीके से करता है, ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो दोनों ही स्किन टाइप के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है ये। फेस पे बहुत ज्यादा ऐसे चिपचिपा नहीं लगता है और हाइड्रेट भी बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। तो मैं सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ, उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये काफी अच्छा लाइक रीजनेबल प्राइस में कंसीलर मिल भी जाता है, आई थिंक अराउंड 250 रुपीज है कुछ ऐसा प्राइस, और काफी अच्छा इसका कवरेज बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया था जब मैंने इसे बाय किया था, अगर आपने देखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी आप देख लेना। यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ अप्लाई करने के लिए, तो ये मैं पूरे अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूंगी। आपका स्किन कलर कोई भी हो डार्क डस्की, हमेशा ध्यान रखिए आई मेकअप के लिए आईलिड पे अगर यूज करें कंसीलर तो उसका शेड 2 शेड लाइटर होना चाहिए आपके स्किन टोन से। मेरे ये वाले आईज पे ना थोड़ा स्वेलिंग हो चुका है तो थोड़ा सा दुख भी रहा है और मैं भी मेरे आंख में से ना पानी भी आएगा क्योंकि इस पे मैं ब्रश चलाना नहीं चाहती बट मुझे चलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। जब भी लगे ना कि अगर आपने एक्सेस लगा लिया है कंसीलर या फाउंडेशन तो हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले। ये देखिए एकदम परफेक्टली आपका जो है ना ब्लेंड हो जाता है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद ना यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ मेबिलिन का, और इसे मैं क्या कर लूंगी इसके ऊपर अप्लाई कर लूंगी जहां पे मैंने अप्लाई किया था कंसीलर। इसे क्या होता है कि जो क्रीज लाइन थोड़ा सा लाइन क्रिएट होने लगता है ना वो नहीं होता है। बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि आई मेकअप पूरा आपने कर लिया, क्रीमी प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर लिया तो वो लाइन क्रिएट हो जाता है और फिर बाद में बहुत गंदा दिखता है, इसलिए पहले ही सेट कर लें। अगर आपके आई मेकअप और मतलब सेट रहता है ऐसा कुछ भी कलेक्ट नहीं होता है तो आपको ये कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। मेरी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई है, बट स्टिल मेरे आई एरिया के पास ना ये प्रॉब्लम हो जाती है अपर लिड पे। आई मेकअप के लिए कलर वोड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं ब्लू, लाइट ब्लू जो मेरे आउटफिट का एक कलर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने ग्रीस लाइन पे, जो ऊपर का लाइन होता है ना उसको ग्रीस लाइन बोलते हैं, और पूरा मैं एक अच्छा फ्लफी ब्रश से अच्छे तरीके से आउटर से लेके इनर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है आई मेकअप के लिए, ये हमेशा ध्यान रखें। पूरा मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलेट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ग्रीस लाइन में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कलर ले रही हूँ, ये डार्क ब्राउन है बट ये थोड़ा सा ना रेडिश टोन में आ जाता है जब मैं अप्लाई की अपने आई पे, तो उसके बाद इसे भी मैं अपने अपने आउटर आई कॉर्नर और ग्रीस लाइन पे ही अप्लाई कर रही हूँ। तो हल्का सा मैं छोड़ी हूँ, ये एग्जैक्टली ग्रीस लाइन पे ही अप्लाई करना है और बहुत ही पॉइंटेड ब्रश से मैं यूज कर रही हूँ इसे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसे स्प्रेड नहीं करना है। तो ध्यान रखिए कि आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है कि ऊपर वाला थोड़ा सा जो ब्लू वाला शेड है वो भी आते रहे। उसके बाद मैं ऐसा फ्लैट फ्लफी ब्रश ले रही हूँ क्लीन, और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छे तरीके से कि ये पूरा अच्छे से कहीं पे भी हार्श लाइन ना रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने लिया है कंसीलर स्विस ब्यूटी का सेम, और एक
फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना मेरी आईज छोटी है, अगर आपकी आई छोटी है तो ध्यान रखिए कि कट क्रीज ना थोड़ा सा जहाँ पे क्रीज लाया ना उसके ऊपर करें, तो उससे क्या होगा कि आई बड़ी दिखेगी। लेकिन आपकी आईज ऑलरेडी बड़ी है तो एग्जैक्टली जहाँ पे कट क्रीज है, मतलब आपका जो क्रीज लाइन है वहीं पे आपको कट क्रीज क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर इसलिए किया क्योंकि मेरे आईज छोटे जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेम आई शेडो लेके मैं ब्लेंड कर रही हूं जिससे कि वो अच्छे तरीके से मर्ज हो जाए और कहीं पे भी कट क्रीज का हार्श लाइन ना दिखाई दे। अब जो जो कलर मेरे आउटफिट में है वो कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूं। तो मैं सारे ही मेरा आउटफिट जो है बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, तो मैं यहाँ पे डार्क ब्लू यूज कर रही हूँ दोनों आईलिड पे। फ्लैट ब्रश के हेल्प से बस मैं प्लेस कर रही हूँ, मतलब जैसे रखते हैं ना बस वैसे रखना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऑरेंज शेड यूज कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे येलो यूज कर रही हूँ। और अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है, डस्की है, तो ध्यान रखिए हमेशा डार्क आई शेडो ही अप्लाई करें। उससे क्या होता है आपके स्किन पे अच्छे तरीके से मर्ज होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे ही आई शेडो डार्क लिए हैं, सिर्फ एक आई शेडो येलो कलर है वो वाला लाइट लिया, अदरवाइज सारे इस तरीके से आपको डार्क आई शेडो ही यूज करने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो है ये, सिर्फ क्रीज लाइन पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जेल आईलाइनर जो कि है मेबलिन का। यहाँ पे मैं हल्का सा विंग क्रिएट कर रही हूँ, अगर आपको विंग चाहिए तो आप विंग क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली जैसा कि आप अपना आईलाइनर अप्लाई करते हैं वैसा अप्लाई कर सकते हैं। सो मॉइस्चराइजर मैंने पहले ही लगा लिया था। यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फेशियल ऑयल। यू कैन पुट एनी फेशियल ऑयल, लेकिन तभी अगर आपकी स्किन ड्राई है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है प्लीज आप फेशियल ऑयल बिल्कुल मत लगाइएगा। तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ प्राइमर। यहाँ पे मैं लैक्मे का ब्लर प्राइमर यूज कर रही हूँ बिकॉज ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में है। आपकी अगर स्किन ऑयली है यू कैन पुट दिस जो कि है शुगर का, ये थोड़ा सा सिलिकॉन बेस है तो ये बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, और ये वाला अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। वैसे दोनों ही स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं दोनों ही प्राइमर, बट स्टिल अगर आप अवॉइड करेंगे क्रीम वाला अगर आपकी ड्राई स्किन है तो, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा ऐसा क्रीम बेस वाला लगाए तो क्या होता है उससे मेकअप काफी ज्यादा अच्छा होता है। और ये रूल तो सारे ही स्किन कलर स्किन टाइप के लिए कि जैसा भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी ज्यादा अच्छा आपका जो मेकअप है वो निकल के आता है। अदरवाइज मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में होता है कि मेकअप ग्रे क्यों पड़ गया, केकी पैची, सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि आप सही प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। और अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो एक बार स्किप भी कर सकते हैं प्राइमर अप्लाई करना, नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, लेकिन ऑयली स्किन वालों को प्राइमर लगाना ही लगाना है बिकॉज उनके जो पोर्स होते हैं वो ओपन पोर्स होते हैं, उनको ऐसे प्राइमर लगाने चाहिए जिनके जो ओपन पोर्स है ना वो फिल कर सके। जैसे कि ये जो शुगर वाला है ये पोर बेस प्राइमर है, एज यू कैन सी मिनिमाइज करता है पोर्स को, ओपन पोर्स को, और ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम हमेशा ऑयली स्किन वालों को बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन। स्किन कलर आपकी जो भी हो, बहुत ज्यादा डार्क स्किन है, डस्की स्किन कलर है, तो ध्यान रखिए कि अपने स्किन के अकॉर्डिंगली जो शेड है सेम जो मैच कर रहा है आपके स्किन से वही शेड आपको लेना है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का 230 शेड नंबर जो कि मेरे स्किन से मीन्स ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हद तक ही सिमिलर है और बहुत थोड़ा सा लाइट है, बहुत ही थोड़ा सा लाइट है। तो मेक श्योर करें अगर आपके एकदम सिमिलर का नहीं मिलता है फाउंडेशन तो ध्यान रखिए कि एक शेड लाइटर ले, लेकिन एक शेड से ज्यादा अगर आप लाइटर लेंगे फाउंडेशन तो आपका पूरा बेस मतलब पूरा मेकअप खराब हो जाने वाला, जो ग्रे पड़ता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्हाइट यूज कर लेते हैं, शेड लाइटर यूज कर लेते हैं स्किन से भी ज्यादा, उस वजह से आपका जो है पूरा फाउंडेशन है वो ग्रे ग्रे बाद में काला पड़ने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको हमेशा जो आपका स्किन कलर है ना उसके ही मैचिंग का आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। अब क्या होता है ना
मीन ऐसे बहुत लोगों की मेंटेलिटी है कि अरे मेरा कलर सांवला है, ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो मैं थोड़ा और लाइट फाउंडेशन लगाऊं तो मैं गोरी दिखूंगी। ऐसा नहीं, आप गोरी नहीं दिखोगे, आप भूत दिखोगे। यस, मैं सच बोल रही हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है, आपका जो फेस होता है बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है और वो बहुत गंदा दिखता है। सबसे पहले तो आपका जो भी कलर है, प्लीज लव योर सेल्फ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी कलर हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप सुंदर अंदर से होने चाहिए। फेस इज लाइक जस्ट बस दिखाने के लिए होता है, पर अंदर से सुंदरता इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, कलर मैटर नहीं करता। आप जो भी, इनफैक्ट मैंने एक चीज देखा है कि जो भी ज्यादा डस्की कलर के होते हैं, ज्यादा डार्क कलर के होते हैं ना, उनके जो फीचर्स होते हैं ना वो ज्यादा सुंदर होते हैं कंपेयर टू फेयर वालों के। मैं ऐसा किसी को खराब नहीं बोल रही, बस जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये चीज मैंने देखी है, उनके फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं डस्की स्किन वालों के लिए, स्किन वालों के, तो मुझे काफी ज्यादा उनके अच्छे लगते हैं। इवन मेरा कलर भी फेयर नहीं है और डस्की भी नहीं, व्हाइटिश कलर में है मेरा। मैं ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को, क्योंकि ब्रश से क्या होता है ना, बहुत अच्छा कवरेज आता है, बहुत ज्यादा अच्छा कवरेज आता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप फाउंडेशन शेड सिलेक्ट कर रहे हैं, आप स्किन टोन तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अंडर स्किन टोन देखना है। उसके बारे में पूरा डिटेल मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, किस तरीके से आपको फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए आपके स्किन टोन के लिए एग्जैक्टली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगी, आप जरूर जाके चेकआउट करें वो वीडियो। सांवले और डस्की स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपके पास होना चाहिए एक ऑरेंज कंसीलर। ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोगों को दाग धब्बे, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट ऐसा रहता है, और अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ही डार्क कलर है तो मैं आपको, और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ना फेयरनेस आपको दिखे, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप ऑरेंज कंसीलर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर, उसके बाद आप जो फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं वो आपके कलर से एक शेड लाइटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, एक शेड लाइटर कंसीलर अप्लाई करने के बाद ही, क्योंकि ऑरेंज कंसीलर क्या होता है, आपका जो डार्क स्किन कलर है उसे कैंसिल आउट कर देता है, और जब आप लाइट फाउंडेशन लगाते हैं एक शेड लाइटर आपके स्किन टोन से, तो क्या होता है, बहुत ही अच्छा सा एक कवरेज देता है और एक थोड़ा सा फेयरनेस जो चाहिए कुछ लोगों को, जिनको भी चाहिए, तो वो चीज आ जाता है। और अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, डार्क ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले आप अप्लाई करें ऑरेंज कंसीलर, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे अपना फाउंडेशन। और एक चीज ध्यान रखें, अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने है, पिंपल्स हुए हैं, तो बहुत ज्यादा क्रीमी प्रोडक्ट ना लगाएं, या अगर फाउंडेशन अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना लगाएं। आपने देखा मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को। अब मैं कंसीलर अप्लाई करने जा रही हूँ स्विस ब्यूटी का, और कंसीलर हमेशा एक शेड लाइटर होना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि आपका जब आप कंसील करते हो अपने फेस को, तो वो आपका जो फेस होता है वो हाईलाइट होता है, इसलिए एक शेड लाइटर होना जरूरी है कंसीलर अगर आप यूज कर रहे हैं तो, ध्यान रखिए इस बात का। अंडर आई एरिया के पास जब आप कंसीलर ब्लेंड करें तो हमेशा ऊपर की तरफ देखें, इससे क्या होता है कि आपका जो कंसीलर है बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। अब कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूज पाउडर का यूज करूंगी। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके सांवला रंग है, डस्की डार्क स्किन है, तो लूज पाउडर हमेशा बनाना शेड यूज करें, क्योंकि अगर आप व्हाइट शेड वाला लूज पाउडर यूज करेंगे तो उससे जो आपका फेस है वो बहुत ज्यादा व्हाइट दिखाई देगा और वो ग्रे पड़ जाएगा मेकअप बाद में, और फिर काला भी पड़ जाता है। तो उस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने शेड से मैचिंग का ही आपको लूज पाउडर भी लेना है, बनाना शेड इज बेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का काजल यूज कर रही हूँ, जिससे कि आईज थोड़ी मेरी बिग दिखाई दे। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मस्कारा। नेक्स्ट कॉन्टोर के लिए के ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आपके सांवला रंग या डार्क स्किन है तो हमेशा ध्यान रखिए आपको डार्क कॉन्टोर यूज करना है, और बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा लाइट आपको कॉन्टोर यूज करें, लेकिन डार्क शेड में। अब मैं ब्रश को स्क्यूज करके अपने नोज को भी शार्पन कर रही हूँ। कॉन्टोर जरूर करें नोज के पास, इससे बहुत अच्छा शेप आ जाता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लश, डार्क ब्लश आपको यूज करना है, लाइट नहीं, क्योंकि डार्क कलर पे अगर आप लाइट कलर यूज करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज करूंगी। ध्यान रखिए आप गोल्डन कलर में ही हाइलाइटर सेलेक्ट करें। अगर आपने सिल्वर या थोड़ा सा मेटेलिक कलर यूज किया तो वो अच्छा नहीं लगेगा, गोल्डन शेड में ही जाएं हाइलाइटिंग, जो जो आपके
हाई पॉइंट्स हैं फेस के, वहाँ पे आप हाईलाइट करें। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेरा लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, शुगर का पेंसिल है, बॉर्डर देने के लिए एज ए लिप लाइनर। एंड ये आई एम डन। एनएमबी स्टाइलिश जो कि मेरा क्लोथिंग ब्रांड है उस पर चल रहा है विंटर एंड सेल ऑफर, बहुत ही अमेजिंग है। सारे विंटर क्लोथ पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंस्टाग्राम का, डायरेक्टली आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही बताइएगा जरूर कि ये मेकअप लुक कैसा लगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।